चैनल पे स्वागत है। आज होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और आई नो ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स देखने वाली है, आई एम सॉरी बॉयज, अगेन आई एम सॉरी। तो आज मैं करने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर स्टाइल्स, और ये हेयर स्टाइल्स आप घर पे बैठ के खुद अकेले बना सकते हो, किसी सेकंड पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने इजी हेयर स्टाइल्स हैं और प्लस पॉइंट कि यह आपके एथनिक लुक के साथ और कुछ कुछ तो वेस्टर्न लुक के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे। सो एज़ यू ऑल नो, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे लाइन से फेस्टिवल्स आने वाले हैं, नवरात्रि, दिवाली और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए, एंड फेस्टिवल आ रहे हैं इतने सारे तो पूरा पूरा दिन आपको रेडी होकर बैठना पड़ेगा, अपने स्किन का पूरा हार्म करना, वही डलनेस, पैची स्किन हो जाना, ये हो जाना। तो हम सारे कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा मेकअप रेंज हम यूज़ करें जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी हो और लाइक हम सुंदर भी लगे, हमने मेकअप भी किया हुआ हो। हम सभी ऐसी चीज़ों का विश करते हैं ना कि कुछ ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हो। गैस वॉट, प्लम हैज़ अ रेंज ऑफ स्किन लविंग मेकअप जो ना आपको सिर्फ एक प्यारा सा मेकअप लुक देंगे बल्कि आपके स्किन को नरिश करेंगे। ये काफ़ी अच्छी रेंज है, तो मैं आज ये वाले मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक बहुत ही प्यारा सा लुक बनाने वाली हूँ, एंड देन हम चलेंगे अपने हेडो की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यू गाइस कैन सी, मैंने अभी फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है, बस अपनी बेसिक एक स्किन केयर किया हुआ है मैंने एंड और कुछ भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बेस के लिए बस मैं यूज़ करने वाली हूँ प्लम का लेजिट कॉम्पैक्ट पाउडर शेड नंबर 125 वाई सनसेट ब्रॉन्स। दिस इज़ सो लाइट वेट एंड गिव स्मूथ मैट फिनिश विद SPF R15, स्मूथ इन द स्किन्स एंड मिनिमाइजिंग द अपीरेंस ऑफ माई पोर्स। सो माई बेस इज़ डन, आप देख सकते हो कितनी प्रॉपर मैट फिनिश आई है। अब मैं अपना क्विकली थोड़ा सा ब्लश एंड आई शेडो लगाती हूँ। तो फॉर ब्लश आई एम यूजिंग प्लम टच एंड गो लिप एंड चिक टिंट, और आई शेडो आई एम यूजिंग दिस मोव अलोंग क्योंकि ये थोड़ा ब्राउनिश सा शेड है इसका और ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो मैंने बहुत हल्का सा इधर दिया है अपना आई शेडो, मैं सेम इधर देती हूँ, देन मैं लगाती हूँ चिक टिंट और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिवाइन शेड सी। कितना प्यारा सा ये शेड है, वाओ आई लव द पिगमेंटेशन। मैंने बहुत लाइट लिया एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन। सो नाउ आई एम डूइंग माई आईब्रोज। दिस आईब्रो डिफाइन इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी पिगमेंटेड और बहुत ईजीली मैंने अपनी आईब्रो को इससे फिल कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर काजल। आई एम यूजिंग दिस काजल प्लम्स OG एंड आइकॉनिक काजल। दिस इज वेरी स्मूथ एंड पिगमेंटेड। नाउ मैं यूज़ करूँगी प्लम नेचर स्टूडियो ऑल डे वियर काजल। यू कैन यूज इट एज अ काजल और लाइनर। सी मैंने प्रॉपर एक ग्रीन लाइनर दे दिया, सी बहुत स्मूथ है, बहुत पिगमेंटेड है। इसके बाद मैं इस पर प्लम आई स्वेयर बाय मैट लाइनर यूज़ करूँगी। सो माई लाइनर इज़ डन, अब बचा है बस मस्कारा, एंड मस्कारा आई एम यूजिंग प्लम आई स्वेयर बाय वॉल्यूम मस्कारा। अब मस्कारा लगाने के बाद मुझे लैशेज इतनी हैवी नहीं फील हो रही हैं, मतलब मैंने बहुत कुछ इस पर अप्लाई करा है, प्लस ये मेरे लैशेज को बहुत अच्छा वॉल्यूम दे रही है और मुझे बहुत लॉन्ग भी लग रही है अपनी लैशेज। बस अब मेरा लास्ट है लिपस्टिक। आई एम यूजिंग दिस मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक। इट्स हाई पिगमेंटेड ट्रांसफर प्रूफ मैट येट नॉट ड्राइंग और बहुत नरिशिंग है, ये परफेक्ट है फेस्टिव सीजन के लिए। सो माय लुक इज कंप्लीट, वाओ आई एम इन लव विद दिस लुक। द बेस्ट पार्ट, दीज ऑल आर 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, ग्रैब योर प्रोडक्ट्स राइट नाउ। मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जो आपको पसंद आए मस्ट बाय। एंड तो हम आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, पहले फर्स्ट हेयर स्टाइल बनाती हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसको मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, वो प्लस पॉइंट ये है कि वो वेस्टर्न और एथनिक दोनों पे जाता है, तो उसको मैं फटाफट बना के दिखाती हूँ आपको। आपको क्या करना है, बस एक सेंटर पार्टीशन करना है, इतना यहाँ से ऐसे सेक्शन लेना है आगे से, बिल्कुल जहाँ से आपकी मांग स्टार्ट है वहाँ से थोड़ा सा ही ऐसे छोड़ दो, और इसको बस आपको यहाँ से ट्विस्ट करना है, फिर नीचे से हेयर लेना है, ऐसे ट्विस्ट करना है, फिर ऐसे हाथ से यहाँ नीचे लेना है, ट्विस्ट करना है, फिर ऐसे ट्विस्ट। मैं टिक टैक पिन्स यूज़ कर रही हूँ, ऐसा इधर हो गया, सेम ऐसा ही आप इधर भी बना लो। सी इससे क्या होगा, आपके फेस में ही थोड़े हेयर थोड़े बाउंस से भी लगेंगे, रोल करोगे तो बिल्कुल फ्लैट नहीं लगेगा। एंड बस आपका ये सिंपल सा हेयर स्टाइल रेडी है।
मैंने 3-4 ऑप्शंस निकाले. अगर आप सिंपल मांग टीका वेयर करना चाहो तो आप इसमें बीच में मांग टीका भी वेयर कर सकते हो. देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है. ये मैंने मंगवाया था बहुत पहले. ये इस पहले मैं इसको लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ. ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ये मैंने अपनी कुछ वीडियोस के लिए मंगवाया था. मैं इसको हमेशा से देखना चाहती थी कि मैं इसको कैसे स्टाइल करूँगी, इसको कैसे पहनूंगी, तो ये कुछ ऐसा लगेगा. और ये परफेक्ट है बैले डांस वाली वीडियोज़ के लिए और सब चीज़ के लिए. बहुत हैवी वाला लुक है इसका और ये थोड़ा लूज़ हो रहा है. इसको मैं थोड़ा और टाइट करके बहुत प्रॉपर तरीके से इसको वियर कर सकती हूँ. लेकिन मैंने जस्ट अभी इसको ट्रायल के लिए पहन के देखा है कि इस हेयर स्टाइल पर ये कैसा जाएगा, तो ये कुछ ऐसा लगेगा. नेक्स्ट एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो भी इसी सेम हेयर स्टाइल पर मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ. जो मेरे पास मांग टिका है, हेयर बैंड है, बहुत कुछ इसको बोलते हैं. ये आलिया भट्ट ने अपनी शादी में पहना था, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल भी फिक्स अभी नहीं किया है, बस ऐसे रखा ही है. और ये क्या है, यहाँ से तो ये मांग टिका वाला लुक है, यहाँ से पूरा हेयर बैंड है. प्लस इस हेयर स्टाइल का क्या फ़ायदा, आप इसकी जो ये स्पाइरल से जा रहा है आप इसमें इसको पूरा अंदर डाल के फिक्स कर सकते हो और ये दिखेगा भी नहीं आपने कैसे किया है. और ये कुछ ऐसा लगेगा. आप एक हेयर स्टाइल बनाकर काफ़ी सारी अलग अलग एसेसरीज यूज़ करके अपना लुक डिफरेंट बना सकते हो. इसी हेयर स्टाइल के साथ बन बनाना आपको सिखाती हूँ और उसमें आप कैसे कैसे वैरायटी दे सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ. नीचे एक लो चोटी बनानी है. अब वो आपकी मर्जी, आप इसको लेफ्ट में बनाओ या इसको राइट में बनाओ. ऐसे भी छोड़ सकते हो वैसे तो चोटी बनाकर. इसमें आप ब्रेड्स बनाकर भी कर सकते हो एंड जूड़ा बनाकर भी कर सकते हो. पर तो मैं कुछ और करने वाली थी लेकिन मुझे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस दिख रहे हैं एक सेम हेयर स्टाइल में, तो हम चाहे तो हम इसको यहाँ ब्रेड्स बना सकते हैं. बेसिक ब्रेड बना सकते हो आप. नीचे क्लचर भी लगा सकते हो, रोज भी लगा सकते हो. आपने यहाँ पे पोनी बनाई एंड यहाँ से आपने इसको ट्विस्ट किया एंड आपने बनाया एक छोटा सा बन. बस रोल रोल करके मैंने बन बना लिया है. ये बचे हुए बाल को थोड़ा अंदर कर दिया है. दूसरा सेम साइज़ का मैंने छोटा रबर बैंड लिया है एंड इसको मैंने यहाँ पे बनाया है बन. ये कुछ ऐसा सा हो गया है. अब इसके बाद आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि आपको इसको कैसा लुक देना है. तो मैं ये मार्केट में अवेलेबल है. जो भी प्रोडक्ट्स मैं लगा रही हूँ वो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको इजीली मिल जाएंगे. ऐसा ये रबर बैंड स्टाइल वाला आता है, इसमें हेयर लगे हुए होते हैं. आपको बस इसको क्या करना है, इसको अगर आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये कुछ ऐसा लुक देगा. आप इसमें चाहो तो अपना कोई भी रोज़ वगैरह आप लगा सकते हो. और अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, आपके हेयर कट हो रखा है, आपके फ्रंट शॉर्ट हेयर है, तो आप बहुत स्लीक लुक भी दे सकते हो. यहाँ से बिल्कुल सेंटर पार्टीशन करके बिल्कुल अपने हेयर को फिक्स करके एलोवेरा जेल से बिल्कुल प्लेन करके आप सेम बन बना सकते हो, वो भी बहुत क्लासी लगेगा. मेरे पास ये गजरा भी है, चाहो तो तो आप ऐसे गजरा लगा सकते हो. इसमें ऑलरेडी फ्लावर्स हैं तो ये कुछ ऐसा लुक देगा. गाइज एक ऐसे पिन वाला गजरा भी आता है, इससे भी आप बहुत कुछ लुक बना सकते हो. अभी तो मैं इसी हेयर स्टाइल में बना के दिखा रही हूँ. इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे सिक्योर कर दो एंड आपको ब्रेड बनानी है, ब्रेड बनाओ. नॉर्मल ऐसे ट्विस्ट करना है अपने हेयर के हेयर पे ऊपर, तो आप ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हो. पीछे पहले रबर बैंड लगाओ एंड जो ये नीचे फिर से एक क्लिप है ना, आपको इसको दोबारा से उसी तरीके से एडजस्ट करना है जैसे आपने ऊपर एडजस्ट किया है. सी अब मैं नेक्स्ट पूरा नेक्स्ट हेयर स्टाइल दिखाती हूँ, इसको खोलती हूँ. नेक्स्ट जो हेयर स्टाइल है वो भी बहुत इजी है. उसमें आपको क्या करना है, पहले आपने सेंटर पार्टीशन कर लिया, ठीक है. फिर उसी के सेंटर पार्टीशन के थोड़े थोड़े ऐसे हेयर लेने हैं दोनों साइड से. मैंने इधर के ले लिए हैं. इसको भी पूरा आपको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है. इसमें लगा दो आप तब तक एक क्लिप. सेम ऐसे इधर से आप करो ट्विस्ट. सेम इसमें भी लगा दो आप क्लिप. आप इसे दो तरफ के ट्विस्ट बनाकर भी ऐसे ओपन छोड़ सकते हो, ठीक है. आप एक थर्ड ट्विस्ट बनाओ, इसमें भी आप क्लिप लगा दो. इधर भी आप थर्ड ट्विस्ट बनाओ एंड आप ऐसे भी छोड़ सकते हो. आप इसमें फोर्थ ट्विस्ट भी बना सकते हो. सी
दिस लुक इज रेडी. सारा ट्विस्ट ट्विस्ट करके आप दो भी छोड़ सकते हो, तीन भी छोड़ सकते हो, ऐसे चार भी ट्विस्ट कर सकते हो. और आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा लगेगा. एंड इसमें आप पीछे सेंटर में जहाँ सारी क्लिप्स लगी हैं उसको हाइड करने के लिए रोज लगा सकते हो. सी, ये तो आपको फ्रंट लुक दिखेगा. एंड मैं आपको बैक दिखाऊंगी तो क्या आपको बैक से दिखेगा. ये भी बहुत अच्छा है. इसमें आप मांग टीका ऐड करना चाहोगे तो मैं ऐसे लगा के दिखा देती हूँ. तो मांग टीका के साथ ये कुछ ऐसा लुक देगा. इसमें कोई फ्लिक्स नहीं है. अगर आपको फ्लिक्स नहीं पसंद है तो आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो. नेक्स्ट लुक दिखाती हूँ. नेक्स्ट हेयर स्टाइल हम बनाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप सेंटर पार्टीशन करके बिल्कुल ऐसे स्लीक हेयर लुक देकर एक बन बना सकते हो. तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा. आपने बिल्कुल ऐसे अपने बालों को चिपकाया, ऐसा लुक दिया. ठीक है, आप चाहते हो लोअर बन बनाना लोअर बना लो, आप चाहते हो हाई बन बनाना तो आप हाई बन भी बना सकते हो. तो मैं सेंटर में बनाऊंगी, ना लो ना हाई, और स्लीक लुक वाला बन बनाऊंगी. मैं वही छोटी रबर बैंड्स यूज कर रही हूँ. सेंटर पार्टीशन करके बहुत अच्छे से लो पोनी बना लेनी है. देन इसको पकड़ के हल्का सा ट्विस्ट के साथ आपको ऐसे रोल देना है. और ये जो बचा हुआ है इसको आपको अंदर डाल देना है ऐसे यू पिन. चार पांच यू पिन इनफ हैं अगर आपके हेयर थोड़े और डेंस हैं और हैवी हैं, नहीं टिकते हैं तो आप और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. या देख सकते हो आप बैक से, ये तो बन गया है आपका स्लीक बन. आप इसमें भी काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हो. यही वाला चीज़ अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो ये कुछ आपका ये लुक दे देगा. आप इसको बस इसमें हल्के से चारों तरफ फ्लावर फ्लावर लगाने हैं तो आप वो भी कर सकते हो. इसमें आप सिंपल फ्लावर भी लगा सकते हो और उसको थोड़ा इन्हेंस कर सकते हो तो ये कुछ ऐसा लुक देगा. अब मैं आपको नेक्स्ट लुक दिखाती हूँ. आपको बस सेंटर पार्टीशन करना है और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेड बना लेनी है. आपको फ्लिक्स छोड़ना है तो आप फ्लिक्स छोड़ो और यहाँ पे बस एक सीधी ब्रेड बना लो, या फिर आप पूरा बाल लेके ब्रेड बना लो. तो ऐसा दोनों तरफ आप बना लो. हमने एक, दो और तीन, ऐसे थ्री ब्रेड्स बना ली हैं. अब आप इसको चाहो तो आप ऐसे सीधे सीधे तीनों को क्लिप कर सकते हो तो ये कुछ ऐसी लगेगी वन साइडेड. मतलब सेंटर पार्टीशन करके वन साइड आपने बनाई और आप तीनों को ऐसे भी क्लिप कर सकते हो, टक कर सकते हो. नहीं, अगर आप चाहो इन तीनों की ब्रेड बनानी है, थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा मैसी हो सकता है, लेकिन हो जाएगा. ये ब्रेड बना के आपने ऐसे पीछे टक कर दिया ना, तो ये कुछ ऐसा लगेगा. यहाँ से पहले तीन ब्रेड दिए, फिर एक ही सिंगल ब्रेड दिए, मैंने पीछे टक कर दिया. एंड इसको आप थोड़ा और सुंदर बना सकते हो. मैं इसमें ये छोटे रेड रोजेस लगा रही हूँ. सी, मैंने इसमें थ्री रोजेस लगा दिए और ये कुछ ऐसा लग रहा है. सेम हेयर स्टाइल आप इधर भी कर सकते हो, तो दोनों तरफ करके भी आप एक लुक क्रिएट कर सकते हो. सी, मैंने सेम हेयर स्टाइल जैसे यहाँ किया था, मैंने इधर भी कंप्लीट कर लिया और ये छोटे छोटे रेड रोजेस लगा लिए और पीछे मैंने एक बड़ा रेड रोज लगा लिया. तो ये कुछ ऐसा हेयर स्टाइल लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है? ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. ये फ्लेक्स और ये पूरा जो ये पूरी ब्रेड्स का वाइब है बहुत अच्छी है. आप बैक से भी देख सकते हो. तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है. आप चाहो तो इसमें ब्रेड्स के बाद इन पे भी नीचे एक लूज ब्रेड बना सकते हो. तो मैं वो भी आपको भी ट्राई करके दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है. जो ये मेरी ब्रेड्स आई थी इनको मैंने अलग से पूरा ऐसे रबर बैंड से टाई कर दिया, आप देख सकते हो. अब मैंने नीचे से ऐसे हाफ हेयर लिए इतने एंड मैं इसको यहाँ पे इसी के साथ टाई करूंगी और इसको मैं इसके अंदर से जो ये स्पेस आ रहा है यहाँ पे यहां से निकाल लूंगी. ठीक है, एक ट्विस्ट आ जाएगा. ऐसे आप चाहो तो आप एक और बार निकाल सकते हो. ऐसे फिंगर डाला, इसको पकड़ा और आप इसको फिर से ऐसे कर लो तो आपको दिख जाएगा ये ट्विस्ट वाली लाइन आ जाएगी. और ऊपर एक रबर बैंड है आपका ऑलरेडी और एक नीचे रबर बैंड है.
अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको पूरा रोज लगा के इसको पूरा छुपा सकते हो। आप दो तीन रोज भी लगा सकते हो और आप सिंगल रोज भी लगा सकते हो। सेम हेयर स्टाइल मैंने नीचे ब्रेड देके उसको लूज कर दिया है और वो ब्रेड अब कुछ ऐसी लग रही है। रोज लगा सकते हो। सी आप उस लूज ब्रेड में ऐसे रोजेस लगा सकते हो और ये कुछ ऐसा लुक देगा। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ये बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल है। आप पीछे भी रख सकते हो ब्रेड। मैं तो ऐसे प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे रखूँ और बहुत अच्छा प्यारा सा लुक है। ओप्स मैंने अच्छे से फिक्स नहीं करा है, गिर रहे हैं। सो आई होप अभी तक आपको सारे हेयर स्टाइल समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो। अपना फेवरेट हेयर स्टाइल मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मैंने बहुत लिमिटेड हेयर स्टाइल सोचे थे। अब क्या हो रहा है, मैं एक हेयर स्टाइल बना रही हूँ ना, उससे कनेक्टिंग यार ऐसा कर सकती हूँ वैसा कर सकती हूँ और वो रैंडमली बनाया जा रहा है, तो मैं कुछ प्लान करके नहीं बैठी हूँ। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। हाँ मेरे हाथ भी दर्द हो रहा है, सॉरी गाइज। कट साइड पार्टीशन वाला बताती हूँ, मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहा है, वो भी मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। आपको इसे साइड पार्टीशन कर लेना है और आप चाहो तो इसको फिर से वही अपना दो पार्टीशन लेकर घुमा घुमा के ट्विस्ट एंड टर्न क्लिप और आप ऐसे भी छोड़ सकते हो यहाँ रोज लगा के। सी बेसिक क्यूट सिंपल एंड स्टाइलिश, ये यहीं खत्म नहीं होता, हम आगे भी इस पे जाते हैं। एंड इधर से आप क्या कर सकते हो, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में आप यहाँ से ऐसे बाल लेके लूज ट्विस्ट एंड टर्न करना है आपको, लूज वाला फ्लफीनेस बाउंस आए अच्छे से। और फिर इसको आपको पिन लगा लेनी है, पिन से सिक्योर कर लेना है। एंड उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर आप लूज ब्रेड या फिर बन भी बना सकते हो। तो मैं अभी तो पहले बन बनाने वाली हूँ इसको रोल करके। ये कुछ ऐसा सा दिखेगा आपका मैसी सा बन। और आप चाहो तो उसमें रोज लगाकर उसको पूरा उस लुक को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपका चॉइस, आप लेफ्ट में रखना चाहो राइट में रखना चाहो, जहां आपको बॉन्स देना वहां दे सकते हो। तो आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ये हेयर स्टाइल बहुत इजी होगा और ये हेयर स्टाइल मैं अपने 11th 12th क्लास से बनाती आ रही हूँ। क्या है, जब भी कुछ भरतनाट्यम वगैरह डांस वगैरह होता तो उसमें जूड़ा चाहिए होता था, वो हाई वाला जूड़ा। तो वो आप कैसे बना सकते हो, अगर आपके लंबे बाल या आपको एक्सटेंशन यूज नहीं करने तो आपको बस ये वाला प्रोडक्ट यूज करना है एंड आपको बनाना है। तो काफी लोगों को आता है यूज करना, काफी लोग के क्वेश्चन होते हैं कि हम इसको कैसे यूज करें। पहले जहां आपको जूड़ा बनाना है तो ये मोटा बनेगा, तो सोचो ये इतनी ऊंची चोटी बनाओगे तो ये यहां तक आएगा। तो आपको यहाँ जूड़ा चाहिए तो चोटी थोड़ी नीचे बनाओ और उस पर रबर बैंड लगा लो। नॉर्मल चोटी बना ली, उसके बाद आपको इसको पहनाना है। ये पहना लिया, उसके बाद आपको इसे हेड डाउन करना है और ये चोटी को ऐसे करना है और चारों तरफ इसको फैला लेना है अपने हेयर को, कि मतलब वो जो बन है राउंड बन वो पूरा आपके हेयर से कवर हो जाए चारों तरफ से। फिर एक दूसरा रबर बैंड लो और उसको इसके ऊपर पहना दो और ऐसे साइड कर लो अपने बाकी हेयर। तो अभी जैसे मेरे काफी लंबे बाल हैं तो ये बचे हैं, काफी लोग के नहीं बचे, तो ये बहुत सुंदर सा जूड़ा बन जाएगा पहले तो आपका। फिर आपको इन बचे हुए बालों को क्या करना है, बिल्कुल हाफ ऑफ कर लेना है इन बालों को और ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देना है। एक तरफ से ट्विस्ट करना स्टार्ट करो और जूड़े के चारों तरफ अपने बचे हुए बाल को लेके ट्विस्ट करते जाओ। साथ में लेते जाओ, ट्विस्ट करते जाओ। जो लास्ट में बच रहा है उसको या तो आप क्लिप लगा लो या यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर लो। लगा लिया, अब आपको बन कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स लगा सकते हो। बेसिक ये लगा के आप इसको मैसी वाला
हेयर लुक दे सकते हो। तो ये वाला गजरा है, आप इस गजरे को भी ऐसे लगा सकते हो। उस गजरे ने मेरा मन खराब कर दिया, लेकिन मेरे पास एक ये भी हेयर पीस है जिसको आप ऐसे लगाकर अपने जूड़े को और एनहेंस कर सकते हो अपने बन को, ये कुछ ऐसा लगेगा। तो आप ऐसे काफ़ी सारे रोजेस लगा कर उसको कवर कर सकते हो, लाइक ये एक बेसिक हेयर स्टाइल है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप आपको मेरे सारे हेयर स्टाइल्स पसंद आएंगे। मुझे अभी खुद नहीं पता मैंने कितने बनाए हैं, क्या रह गया है, या अगर मैं कुछ एक नया हेयर स्टाइल याद आया कि अरे ये भी बना सकती थी, तो उन हेयर स्टाइल्स को मैं अपनी शॉर्ट्स में निकालूंगी। एंड येस गाइज, डू वॉच माई शॉर्ट्स, वहाँ मैं कुछ अलग अलग चीज़ें करती रहती हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मस्ट वॉच। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई मेकअप एंड ऑल ऑफ माई हेयर स्टाइल्स। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे कैसे लगे सारे हेयर स्टाइल, और बेस्ट हेयर स्टाइल कौन सा लगा वो भी आप ज़रूर बताना। So thank you so much for watching guys, see you in the next video super soon, bye bye, Navya.